जी की उपस्थिति में आपके द्वारा किस तरह की व्यवस्थाएं और क्या लक्ष्य रखा गया है? जी माननीय मोदी जी और माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में आज महाभियान के टीकाकरण देवास में लॉन्च हुआ है। देवास ने संकल्प लिया है कि आज के दिन देवास जिले में 30,000 टीकाकरण हम करेंगे और इस पूरे सप्ताह में 1,30,000 टीकाकरण हम करेंगे। उसके लिए 174 सेंटर्स पूरे जिले में और देवास में 23 सेंटर्स हैं जहाँ लोग जाकर इससे पहले भी प्रचार प्रसार हो चुका है और हम देख रहे हैं। इससे पहले भी मैं दो एक सेंटर्स को बाहर से देखते हुए आई हूँ, भीड़ काफ़ी है, लाइन लगी हुई है, लोगों में उत्साह है टीके के प्रति और हम जनप्रतिनिधियों का और मैं मानती हूँ सभी का कर्तव्य बनता है कि जो लोग उनको टीका नहीं लगाए उन्हें लगाएँ, क्योंकि अगर तीसरी लहर के बारे में लोग बात कर रहे हैं तो उससे लड़ने का केवल एकमात्र शस्त्र हमारे पास है वो है टीका। तो हमें टीका लगाना है, हमारी देवास की जनता को सुरक्षित करना है और तीसरी लहर से लड़ने के लिए पूरी तरह से हमें आपको लगता है कि जो बड़ा लक्ष्य जो रखा गया है प्रदेश सरकार द्वारा वो प्राप्त होगा ये जो अभियान चलाया गया इसके द्वारा? बिल्कुल प्राप्त होगा। जिस तरह से भीड़ हम जिस तरह से लाइने हम टीकाकरण केंद्रों पे देख रहे हैं मैं मानती हूँ समय से पहले ही ये लक्ष्य हम पूरा करें। आपकी उपस्थिति में बुजुर्ग महिला ने अभी टीकाकरण करवाया, क्या मानते हैं आपकी हर उम्र के लोग अब आगे आ रहे हैं? धीरे धीरे हर उम्र के लोग आ रहे हैं, बुजुर्ग लोगों में भी उत्साह है टीके के लिए और जिस महिला ने हमारे सामने भी टीका लगाया वो अपना दूसरा टीका लगा रही है, बूस्टर डोज था, उसका मतलब है वो पहला टीका लगवा चुकी है और दूसरे के लिए भी लोग आ रहे हैं। ये बहुत ही उल्लेखनीय। आम लोगों से क्या अपील, देवास जिले की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देवास की जनता से तो मैं ये अपील करूँगी, घर से निकलिए, मौका है अपने आप को सुरक्षित करने का, अपने परिजनों को सुरक्षित करने का, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और जो ये सरकार का टीकाकरण का कार्यक्रम है उसे सफल बनाकर उसका लाभ उठाएं। ठीक, थैंक यू, थैंक यू।